आईपीएल ऑप्शन आप कैसे देख रहे हैं? बड़े सारे नए नाम होंगे, मिचेल स्टार्क वापस आ सकते हैं टीम से, इनके आईपीएल लास्ट मॉडल हुए जिसने खेल सके, रचिन रविंद्रा एक नाम आ रहा है, ऐसे बहुत सारे यंग नेम्स हैं जो कि आपको क्या लग रहा है इस बार हॉट बाइक के कौन होगा? देखिए आईपीएल एक ऐसी जगह है कि ऑक्शन में है ना, आपको किसी भी टीम का पता नहीं होता किस टीम को किस प्लेयर के लिए किस लिमिट तक जाएंगे, बट ये ऑक्शन है ना मिनी ऑक्शन है, आपको ऐसा नहीं कि बहुत सारे प्लेयर्स खरीदने, आपको ये देखना होता है कि लास्ट ईयर ऑक्शन प्ले जब आईपीएल खेले थे तो किन चीजों की आपकी टीम के अंदर वो कमी रहेगी, उन टीम को उस चीजों को है ना पूरा करने की कोशिश करते हैं, या कुछ आप ऐसे प्लेयर्स को रिलीज करते हैं जो लास्ट ईयर आपकी टीम में फिट नहीं हो पाए थे, या जितना बेहतर आप प्रदर्शन की उम्मीद कर रहे थे उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं हो पाया था, देन आप वो सोचते हैं कि अब नेक्स्ट ईयर ऑक्शन में जाके उन्हीं चीजों को ठीक किया जाएगा ताकि हमारी टीम और बेहतर हो जाए। तो और आपने जैसे पहला नाम लिया मिचेल स्टार्क, मुझे लगता है बहुत हॉट पिक होने वाले हैं, डिपेंड ये करेगा कि अगर वो पूरे टीम के लिए पूरे आईपीएल के लिए अवेलेबल हैं कि नहीं है, अगर वो पूरे आईपीएल के लिए अवेलेबल हैं तो मुझे लगता है उन जैसे बॉलर की हर टीम को जरूरत है। आपकी पुरानी टीम रही है काफी, उसको अपने आईपीएल जितवाया है केकेआर, उसके लिए आप क्या चाहेंगे, क्या हो कि वो एक बार फिर से चैंपियन बने जो आपने फर्स्ट टाइम बनाया 2014 में, फिर बने फिर उसके बाद से इंतजार जारी है? देखिए अगर 2014 के बाद अभी तक जीते नहीं है तो होपफुली इस बार गौतम के जाने के बाद चीजें कुछ थोड़ी चेंज होंगी और वो एक विनिंग मेंटेलिटी जो वापस गौतम लेके आएंगे उससे बहुत फर्क पड़ेगा, और जिस तरीके से मैं कई साल से फॉलो भी कर रहा था तो एक विकेट टेकिंग की बात करते जो मिचेल स्टार्क का नाम भी लिया, मुझे लगता है कि वो उनके लिए बहुत बढ़िया ऑप्शन हो सकते हैं, और ऐसा नहीं है कि केकेआर की टीम बहुत ज्यादा खराब क्रिकेट खेल रही, कभी कभी ना आपके एक या दो ही चीजें आपको ठीक करनी होती है उससे ना टीम का माहौल चेंज हो जाता है और आप वो जो मैचेस हार रहे थे ना वही जीतना शुरू कर देते हैं। तो अगर आप ऑप्शन में बात करें तो मुझे लगता है कि मिचेल स्टार्क एक अच्छी ऑप्शन है उनके लिए, अगर मिचेल स्टार्क उनको नहीं मिलते हैं तो डेफिनेटली कोई आपको एक ऐसा बॉलर देखना पड़ेगा जो आपको नई बॉल से विकेट दिला के दे सके और स्लो ओवर में गेंदबाजी कर सके। और एक बड़ा उलट फिर हमने एक और देखा है, वो रहा है कैप्टेंसी ऑफ मुंबई इंडियंस, फाइव टाइम चैंपियंस मुंबई इंडियंस के कैप्टन जो थे रोहित शर्मा, उनको अपसाइड नाइन किया गया और हार्दिक पांड्या बनाए जो कि गुजरात टाइटंस से पहले भी मुंबई में जुड़े हुए थे, आप इसको कैसे देखते हैं? एक पांच बार के कैप्टन हट गए और जो पिछले आईपीएल भी जिताए थे वो नए आए हैं, इस मूव को कैसे देख रहे हैं, क्या अब टाइम आ गया कि इनके बियॉन्ड देखें? देखिए बहुत सरप्राइजिंग मूव है क्योंकि अगर आप देखते हैं पिछले 10 साल से देख लें मुंबई इंडियंस इज रोहित शर्मा, तो उस ड्रेसिंग रूम के हर प्लेयर को रोहित शर्मा के साथ वो पता है कि किस तरीके से वो प्लान करना है, रोहित शर्मा को हर प्लेयर का पता है कि किस तरीके से किस गेंदबाज से कब बॉलिंग करानी है, किस बैट्समैन का कब इस्तेमाल करना है, एक हार्ड कोर मुंबई इंडियंस प्लेयर अगर आप देखते हैं, तो मुझे लगता है मैं बहुत सरप्राइज हुआ था इस डिसीजन से। लेकिन जब ये न्यूज आई थी कि हार्दिक पांड्या वापस जा रहे हैं तो आपको एक एक्सपेक्टेड लाइन था कि अगर हार्दिक वापस वहां जा रहे हैं तो हो सकता है कि कैप्टनसी उन्हीं को मिलेगी, क्योंकि गुजरात को 2 साल से बहुत बढ़िया तरीके से लीड कर रहे थे और मुझे लगता है कि मुंबई इंडियंस भी अब थोड़ा सा कैप्टनसी में देख रही थी कि अगर हार्दिक को लेके आए तो एक ऐसा लीडर लेके जाए जो आने वाले 4-5 साल में उस टीम को लीड कर पाए।